हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा 10 सबसे ज़्यादा इंडियन मूवी कमाई करने वाले ऑल टाइम के मूवी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को फुल तक देख लो और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। नंबर 10 पर आता है संजू मूवी, जो एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थे और इस मूवी में रणबीर कपूर और विकी कौशल थे और इस मूवी का बजट था 96 करोड़ रुपया और इस मूवी ने टोटल कमाई किया था 586 करोड़ रुपया और इस मूवी को रिलीज़ किया था 29 जून 2018 को। नंबर 9 पर आता है रबर 2.0 और इस मूवी में काम किया था अक्षय कुमार, रजनीकांत और एमी जैक्सन और ये मूवी का बजट था 400 से लेकर 600 करोड़ रुपया और इस मूवी में टोटल कमाई हुई थी 655 करोड़ रुपया। इस मूवी को रिलीज़ किया था 30 नवंबर 2018 को। नंबर 8 पर आता है पीके मूवी, जिन्होंने इस मूवी में काम किया था आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, बाबा निरानी और सुशांत सिंह राजपूत। इस मूवी में टोटल बजट था 122 करोड़ रुपया और इस मूवी में टोटल कमाई की थी 769 करोड़ रुपया और पीके मूवी को रिलीज़ किया था 19 दिसंबर 2014 को। नंबर 7 पर आता है सीक्रेट सुपरस्टार, इस मूवी में काम किया था जायरा वसीम, आमिर खान, मेहर और राज अर्जुन। इस मूवी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम खर्च किया था और इस मूवी का टोटल बजट था 15 करोड़ रुपया, लेकिन इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से कमाई की थी और इन्होंने टोटल कमाई की थी 898 करोड़ रुपया। इस मूवी ने टोटल कमाई की थी 918 करोड़ रुपया और इस मूवी को रिलीज़ किया था 19 अक्टूबर 2017 को। नंबर 6 पर आता है बजरंगी भाईजान और इस मूवी में काम किया था सलमान खान, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षिला मेहता और इस मूवी को रिलीज़ किया था 17 जुलाई 2015 को और इनकी टोटल बजट थी 70 से लेकर 90 करोड़ रुपया और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 918 करोड़ रुपया। नंबर 5 पर आता है पठान मूवी और इस मूवी में काम किया था शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिंपल कपाडिया और इस मूवी रिलीज़ हुई थी 25 जनवरी 2023 को, लेकिन इस मूवी का टोटल बजट 225 करोड़ रुपया और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 1050 करोड़ रुपया। नंबर 4 पर आता है KGF चैप्टर 2 और इस मूवी में काम किया था यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, सिनिधि, प्रकाश राज, राव रमेश और इस मूवी रिलीज़ हुई थी 14 अप्रैल 2022 को और इस मूवी का टोटल बजट था 100 करोड़ रुपया, लेकिन इस मूवी ने टोटल कमाई की थी 1250 करोड़ रुपया। नंबर 3 पर आता है ट्रिपलर और इस मूवी में काम किया था जूनियर एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सिया सरन और इस मूवी का रिलीज डेट था 14 अप्रैल 2022 को और इस मूवी का टोटल बजट 550 करोड़ रुपया और इस मूवी में टोटल कमाई की थी 1200 से लेकर 1298 करोड़ रुपया तक। नंबर 2 पर आता है बाहुबली 2 और इस मूवी में काम किया था प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रामया कृष्णा, नसीर, राणा डगबोती और इस मूवी का रिलीज डेट था 28 अप्रैल 2017 को और इस मूवी का टोटल बजट था 250 करोड़ रुपया और इन्होंने टोटल कलेक्शन किया था 1810 करोड़ रुपया। नंबर 1 पर आता है दंगल मूवी और इस मूवी में काम किया था आमिर खान, साक्षी तनवर, फातिमा साना शेख, जायरा वसीम, अपर शक्ति खुराना और इस मूवी का रिलीज डेट था 23
दिसंबर 2016 को और इस मूवी का टोटल बजट था 70 करोड़ रुपया, लेकिन इस मूवी ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी और टोटल कलेक्शन था 2024 करोड़ रुपया।